प्रदेश सरकार प्रदेश के निचले क्षेत्रों के साथ भेदभाव कर रही है, ये कहना है प्रदेश कांग्रेस के महासचिव अजय महाजन का। नूरपुर में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2014 में कांग्रेस शासनकाल में 1220 करोड़ का प्रोजेक्ट मंजूर हुआ था और ये पैसा 2016 में फाइनेंस हुआ। इसमें पूरे प्रदेश के 12 जिले शामिल थे। जहां इस बजट का आवंटन होना था, इसमें 800 करोड़ रुपए निचले क्षेत्र के जिलों के लिए थे, जिसमें फल पौधावार और बागवानी क्षेत्र का विकास शामिल था। प्रदेश सरकार प्रदेश के निचले क्षेत्रों के साथ भेदभाव कर रही है, ये कहना है प्रदेश कांग्रेस के महासचिव अजय महाजन का। आज नूरपुर में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2014 में कांग्रेस शासनकाल में 1220 करोड़ का प्रोजेक्ट मंजूर हुआ था और ये पैसा 2016 में फाइनेंस हुआ। इसमें पूरे प्रदेश के 12 जिले सम्मिलित थे। जहाँ इस बजट का आवंटन होना था, इसमें 800 करोड़ रुपए निचले क्षेत्र के जिलों के लिए आए थे, जिसमें फल पौधावार और बागवानी क्षेत्र का विकास शामिल था। इनमें कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना और चंबा जिले शामिल थे। अजय महाजन ने कहा कि ये बहुत ही अफसोसजनक है कि ये पूरा का पूरा पैसा अपर हिमाचल में ही बांट दिया गया। उन्होंने कहा कि वो ऊपरी क्षेत्रों के विकास के विरोध में नहीं है, लेकिन निचले क्षेत्र का हक छीनकर उसे वंचित करना किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर सरकार श्वेत पत्र जारी करे। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय IPH में विकृत के तहत 600 करोड़ रुपए मंजूर हुए थे, जिसमें पूरे हिमाचल में IPH में पेयजल और सिंचाई क्षेत्रों की अपग्रेडेशन का काम शामिल था, लेकिन 600 करोड़ में से 80% बजट प्रदेश की 2 विधानसभा सिराज और धर्मपुर के लिए ही प्रपोज है, जबकि 66 विधानसभाओं के लिए मात्र 20% बजट ही बचा है। उन्होंने कहा कि इसे लेकर भी सरकार जवाब दे। प्रदेश महासचिव अजय महाजन ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने मिड हिमालय 3 के नाम से मंजूर हुए प्रोजेक्ट को जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने नगरोटा बगमा दौरे के दौरान सोलन में स्थापित इस प्रोजेक्ट के हेड ऑफिस को धर्मशाला शिफ्ट करने का ऐलान किया था, लेकिन इसके उल्ट धर्मशाला के प्रोजेक्ट को सोलन शिफ्ट किया गया। उन्होंने कहा कि नूरपुर में स्थापित मिड हिमालय के कार्यालय को जो 5 विधानसभाओं को कवर करता था, उसे भी बंद कर दिया। इसमें करोड़ों परियोजनाओं के लाभ से ये क्षेत्र वंचित हो गए। उन्होंने कहा कि वो सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि निचले क्षेत्रों के साथ हुए भेदभाव पर सरकार जवाब दे, अन्यथा वो सड़कों पर आने के लिए मजबूर होंगे। प्रदेश महासचिव ने पठानकोट मंडी फोर लाइन पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जिस फोर लाइन का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बड़े जोरों शोरों से किया था और विधानसभा चुनावों में भाजपा ने जिसे चुनावी मुद्दा बनाया, आज वो फोर लाइन ठंडे बस्ते में पड़ा है। उन्होंने कहा कि इस फोर लाइन सड़क निर्माण कार्य को अमली जामा पहनाने में प्रदेश सरकार पूरी तरह विफल हुई। उन्होंने कहा कि आज फोर लाइन प्रभावित परिवार असमंजस की स्थिति में है और सरकार को चाहिए कि वो स्थिति स्पष्ट करे। आज की जो सरकार है भाजपा की, ये जो हमारे अमर्ज एरियाज हैं, जो लोअर एरिया जिसको कहते हैं, उसके साथ बहुत भेदभाव कर रही है। एक उदाहरण के तौर पे 1220 करोड़ का एक प्रोजेक्ट कांग्रेस टाइम में सैंक्शन हुआ था, 2014 में कंसीव हुआ था और 2016 में फाइनलाइज हुआ था, जिसमें पूरे की पूरी 12 डिस्ट्रिक्ट कवर होनी थी फूड प्लांटेशन के लिए, बाकी हॉर्टिकल्चर ऑगमेंटेशन एक्टिविटीज के लिए। पर अफसोस की बात है कि और 800 करोड़ था ये हमारे एरियाज के लिए। इसमें क्या हुआ है कि जो हमारे लोअर एरियाज हैं, जो कामरा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, इवन चंबा तक, इसको इससे वंचित किया गया और सारा का सारा पैसा एक ही अपर एरिया में जो है, वो अच्छी बात है, उनका भी लगना चाहिए, पर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द लोअर एरियाज।